5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। ये पूजा भव्य समारोह के रूप में आयोजित की गई थी और इसे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। बता दें कि मुगल शासक बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने 1528-29 में मंदिर को ध्वस्त कर वहां विवादित ढांचे का निर्माण किया था, जिसके बाद समय समय पर श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने कई युद्ध लड़े। न जाने कितने ही राम भक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। हिंदुओं की 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हुई। वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को लेकर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि ये भूमि हिंदुओं की है। वहीं इसी फैसले के तहत मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर व लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए गए थे। ये निर्णय भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देता था और राज्य को अपना संविधान, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की स्वतंत्रता प्रदान करता था। वहीं अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए थे, जिसके तहत राज्य सरकार को स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और लाभ देने की अनुमति थी। यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति को भारतीय सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया और इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। 5 अगस्त 1991 को देश में पहली बार किसी महिला को हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। लीला सेठ आज ही के दिन 1991 में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थीं। लीला सेठ का जन्म 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ और कोलकाता में प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने इंग्लैंड में लंदन बार से कानून की पढ़ाई की और 1958 में बार की परीक्षा में टॉप किया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला थीं। लीला सेठ ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपने वकालत की शुरुआत की थी। वहां से उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। फिर वर्ष 1978 में वो दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त की गईं। फिर वर्ष 1991 में लीला सेठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी, जिसने भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के लिए एक नया इतिहास रच दिया। 5 मई 2017 को लीला सेठ का निधन हो गया था। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिबॉल्टर की शुरुआत की थी। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ एक गुप्त सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के तहत हजारों पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीरी बनकर घाटी में घुसपैठ की थी। इनका दो उद्देश्य था, पहला कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा भारतीय सेना से लड़ाई कर कश्मीर पर कब्जा करना। लेकिन बहुत जल्द ही पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाकर उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिबॉल्टर का कड़ा मुकाबला किया और अधिकांश घुसपैठियों को मार गिराया। ऑपरेशन जिबॉल्टर के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जो वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गए। ये युद्ध लगभग एक महीने तक चला था। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बीच में आने के बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज,
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करें अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करें अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। 5 अगस्त 1962 को नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को बिना पासपोर्ट के देश छोड़ने और मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये उनके 27 साल की कैद की शुरुआत थी। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रंगभेद एक प्रणाली थी जिसमें श्वेत और अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को अलग अलग रखा जाता था, साथ ही अश्वेतों के साथ भेदभाव किया जाता था। वहीं 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति FW de Klerk द्वारा रिहा किया गया था। उनकी रिहाई दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र और रंगभेद के अंत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, जिससे देश में नस्लीय समानता और सामाजिक न्याय की एक नई शुरुआत हुई। 5 अगस्त 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ने सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। परमाणु बमों द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले ने दूसरे विश्व युद्ध का अंत किया था, लेकिन यहीं से परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने और अधिक शक्तिशाली परमाणु हथियार विकसित किए, जिसके बाद इसके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। जिसके बाद मई 1955 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग ने परमाणु हथियार परीक्षण समाप्त करने पर बातचीत शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और सोवियत संघ को एक साथ लाया और परिणाम स्वरूप वर्ष 1963 में इस संधि पर मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद इसे अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए भी खोला गया था। ये संधि औपचारिक रूप से 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई थी। तब से 123 अन्य देश इस संधि के पक्ष बन गए हैं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।